एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ जिससे कि आप अपने काम को बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं और घर की पड़ी हुई बेकार चीज़ों का हम यूज़ करके ही अपना काम आसान बनाएंगे। दीपावली आने वाली है और हम सभी लोग एक महीने पहले से ही घर की साफ़ सफाई और किचन की साफ़ सफाई में जुट जाते हैं। तो हमारे घर के गैस चूल्हे का जो बर्नर होता है उसमें बहुत गंदगियाँ जम जाती हैं, तो आज उसको हम साफ़ करेंगे। तो ये मैंने ले लिया है इनो, जिसको मैंने आधा यूज़ कर लिया था पहले और आधा ऐसे ही बचा हुआ था। तो अब हम ले लेंगे एक बर्तन में गुनगुना पानी और जो ये इनो बचा हुआ है उसको इसी में हम डाल देंगे। तो जितना भी इनो इसमें बचा हुआ है मैं सब इसमें डाल दी हूँ। उसके बाद जो बर्नर है ना इसमें हम डाल देंगे इसको, और इस तरह से डाल देंगे ताकि ये पूरा डूबा रहे इसमें, और इसको 10 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। तो 10 मिनट बाद देखिए ये पानी का कलर आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इसमें मैल निकल गई है, और थोड़ी बहुत जो गंदगियाँ बची हुई ना उसको भी हम इस तरह का एक ब्रश ले लेंगे जो ख़राब ब्रश पड़ा होता है हमारे घर में, और उससे हम इसको रगड़ रगड़ के साफ़ कर देंगे। तो इसमें जो उबल जाता है, जैसे दूध उबल जाता है, चाय पत्ती वगैरह, तो वो जम जाता है, तो उसको हम इस तरह से साफ़ कर देंगे। तो ब्रश से हम इसको रगड़ रगड़ के खूब अच्छे से साफ़ कर देंगे। इसको इस तरह साफ़ करने से हमारे जो बर्नर होते हैं वो काफ़ी हद तक साफ़ हो जाते हैं। तो देखिए ये साफ़ हो चुका है। उसके बाद हम इसको एक साफ़ कपड़ा से पोंछ के और फिर इसको हम गैस पे सेट कर देंगे, तो ये बढ़िया तरीके से चलने लगेगा। तो है ना ये कमाल के टिप्स। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो जब भी हम बाज़ार से केला वगैरह लाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम कम पके हुए केले उठा लाते हैं, देखते नहीं हैं। तो कम पके हुए केले तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है खाने में। तो चलिए आज इसको हम पकाने की ट्रिक देखते हैं, इसको कैसे घर पे हम पकाएंगे। तो मैंने ले लिया है यहाँ पे एक न्यूज़पेपर और उसका हम एक पन्ना निकाल लेंगे और इस तरह से हम इसको ले लेंगे। फिर इसके बीच में ना हम इस केले को रख देंगे और इसको पेपर से बढ़िया से कवर कर देंगे ताकि इसमें कहीं से भी ये खुला ना रहे और ये बढ़िया तरीके से कवर हो जाए। उसके बाद हम एक ले लेंगे, कोई टोकरी वगैरह या तो कोई बर्तन ले लीजिए, इसमें इसको रख दीजिए और इसके ऊपर से ना कोई ढक्कन वगैरह, कोई प्लेट वगैरह आप ढक के और 3 से 4 दिन ऐसे ही रख दीजिए, तो ये पक जाएंगे। हमारे घर में इस तरह के आई कार्ड तो बहुत ही ज़्यादा पड़े होते हैं क्योंकि हर साल नया आई कार्ड मिलता है। तो हमारे छोटे भाई बहनों का या तो आपके बच्चों का आई कार्ड इस तरह से पड़े होते हैं, तो जिसका आज हम यूज़ बताने वाले हैं। तो कोई भी आप एक पुराना आई कार्ड ले लीजिए, उसके बाद आप घर के इस तरह क्लेचर, क्लिप, हेयर क्लिप्स जो होती हैं, साड़ी पिन वगैरह जो होती हैं, जो इधर उधर पड़ी होती हैं और हमें टाइम पे मिलती नहीं है, तो आप इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें ले लीजिए और इसी में इसको सेट कर दीजिए। तो देखिए आप इस तरह से इसको क्लेचर को इसमें फिट कर दीजिए, तो छोटे बड़े जो भी जैसे भी क्लेचर हैं इसमें सब फिट हो जाएंगे। और उसके बाद घर में ये साड़ी पिन होती है जिसको हम रख देते हैं और भूल जाते हैं, उसके बाद अगर हमें कहीं बाहर जाना होता है तो ये साड़ी पिन जल्दी से मिलती नहीं है। तो मैं अपनी मम्मी की साड़ी पिन इस तरह से सेट कर देती हूँ ताकि उनको जहाँ भी जाना हो जल्दी से निकालें और अपनी मैचिंग का साड़ी पिन वगैरह इसमें से निकाल के लगा सकती हैं। तो हम इस तरह से इसमें हेयर क्लिप्स भी लगा देंगे क्योंकि ये जो छोटी छोटी क्लिप्स होती हैं ना बहुत ज़्यादा खोती हैं। आप इसमें रबर बैंड भी डाल सकती हैं, जो भी डालना हो इसमें डाब फंसा दीजिए। उसके बाद हमारे घर में इस तरह की कीली घड़ी होती है जिसमें इसको हम टांग देंगे। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट की ओर। तो हमारे घर में शादियों का जो कार्ड होता है वो इस तरह से पड़े होते हैं जिनका हम यूज़ ज़्यादातर नहीं करते हैं, तो इस तरह से बेकार पड़े होते हैं। तो चलिए आज मैं इसका बढ़िया सा यूज़ बताती हूँ। तो मैंने एक ले लिया है कार्ड जिसका ऊपरी वाला पार्ट हम ले लेंगे और उसके बाद मैं इसमें कट लगा रही हूँ। तो हमें इतनी चौड़ाई का इसमें कट लगा लेना है, ऊपर से नीचे तक इसको कट कर ले जाना है। तो इस तरह से हम इसको काट लेंगे। उसके बाद हम ले लेंगे एक बुक, जो भी बुक्स वगैरह पढ़ते हैं आप, तो जिस पन्ने को पढ़ते हैं भूल जाते हैं, तो आप ना इसमें इस तरह से इसको लगा दीजिए। उसके बाद अगर आप खोलेंगे ना तो आपको वही वाला पेज मिल जाएगा, तो पेज ढूंढने में हमें ज़रा भी टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट की ओर। तो हमारे घर में इस तरह के मोबाइल चार्जर होते हैं जो वाइट कलर के होते हैं और ये बहुत ही जल्दी गंदे हो जाते हैं, इस तरह से ये बहुत गंदे दिखते हैं जो हमें बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं।
तो चलिए आज मैं इसको साफ़ करने का एक बहुत बढ़िया सा ट्रिक बताती हूँ। हम सब के घर में सैनिटाइज़र की इस तरह की 3-4 बॉटल तो पड़ी ही होंगी, तो आज हम इसका यूज़ करके ना इस वायर को साफ़ करेंगे। तो हम ले लेंगे एक सैनिटाइज़र की बॉटल और वायर को हम इस तरह से हाथों में फंसा लेंगे और इस तरह राउंड राउंड कर लेंगे। फिर उसके बाद सैनिटाइज़र को इसमें स्प्रे कर देंगे, तो इसमें बढ़िया सा स्प्रे कर देंगे। उसके बाद हम एक ले लेंगे हैंकी या कोई भी कपड़ा ले लीजिए आप, और इस तरह से इसको रगड़ रगड़ के साफ़ कर लीजिए और कपड़े में भी थोड़ा सा स्प्रे कर लीजिए, जिससे बढ़िया से साफ़ हो जाएंगे। तो स्प्रे करने के बाद हमको इस तरह से इसको रगड़ रगड़ के साफ़ कर लेना है। इस तरह से साफ़ करेंगे ना तो आपकी पूरी वायर बहुत ही जल्दी साफ़ हो जाएगी और इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो देखकर आप बिल्कुल खुश हो जाएंगे। तो मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, और वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।